एक समय था जब लड़कियों को पाबंदी में रखा जाता था, लेकिन आज के इस दौर में लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, यही नहीं पति भी बिना पत्नी की मर्जी के उसके साथ संबंध नहीं बना सकता है। Nowadays when we see even a husband also with no consent with a wife, they cannot take any kind of attention or any kind of hand over the wife. कहने को कानून तो बन गया कि शादी के बाद अगर एक पति अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर उससे संबंध बनाता है तो वो अपराध है, लेकिन अब जो मामला हम आपको बता रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल मुंबई की एक एयर होस्टेस अपने दोस्त से मिलने एक पार्टी में जाती है जहां दोनों ड्रिंक करते हैं। नशे की हालत में युवक युवती को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ पहले से उसके दोस्त मौजूद थे, और सब मिलकर उस एयर होस्टेस के साथ गैंगरेप करते हैं। आज का जो ये घटना घटी है एयर होस्टेस के ऊपर, जो गैंगरेप हुआ है वैसा एयर होस्टेस ने कंप्लेंट दिया है मुंबई पुलिस में। ये बहुत अजीब सी बात है, उसका कंसेंट के बिना उनका फ्रेंड हो या कलीग हो या कोई भी हो, उनका ऊपर हमला करना बिल्कुल गलत है। और ये गलती के लिए उनको जस्टिस होना ज़रूरी है, ताकि वो दोनों भी कलीग्स हैं, फिर भी अगर उनका मनपसंद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनका के बिना ये हुआ तो बिल्कुल ये कंप्लेंट के हकदारी बनते हैं। बिना लड़की की मर्जी के उसी के दोस्त उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। जब इस बात की जानकारी लड़की अपने पिता को देती है तब उसे अस्पताल लेकर जाया गया और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हमारी विनती महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से ये है कि इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई जारी रहे, इमीडिएटली जो भी जैसे ये एयर होस्टेस कहती है कि और दोनों के साथ भी उनके साथ गैंगरेप हुआ है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। और जैसा कि यह हॉस्पिटल का रिपोर्ट भी आ जाती है, हमारे डिमांड भी यह है कि इमीडिएटली फौरन वो जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को अरेस्ट करे, ताकि इनके ऊपर हमला हुई है और उनको जो पसंद नापसंद चीज़ है तो वो उनके ऊपर घटना घटी है, तो इसके लिए वो लोग भी क्राइम के मुताबिक ही है। हम डिमांड करते हैं जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई भी ले लीजिए, कार्रवाई भी होना चाहिए और उनका पनिशमेंट भी होना चाहिए। और जितने भी पढ़ लिखे हैं और जितने भी सोसाइटी में मूव करते हैं, फिर भी अपने पसंद के बिना जो भी होता है वो हकदार बनते हैं उनके ऊपर कंप्लेंट देने का। तो इस वजह में एक वुमेन का राइट्स भी देखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वो पी के भी है फिर भी उनका के बिना ऐसा करना या दो तीन जने उनके ऊपर हमला करना बिल्कुल गलत बात है। तो इनका जरूर एक्शन लेना चाहिए और हम जस्टिस भी मांगते हैं, हमारी महिलाओं के ऊपर न्याय विचार होना बहुत जरूरी है। हम डिमांड करते हैं महाराष्ट्र पुलिस से जल्दी कार्रवाई हो जाए और पनिशमेंट हो जाए जो लोग भी इसमें क्राइम है। अब आए दिन इस तरह की घटना देख कर भरोसा करे तो किस पर? क्राइम तक आपसे यही कहना चाहता है कि किसी पर भी भरोसा करें, लेकिन अंधविश्वास ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।